Welcome all in CSIR Net Physics channel. Please subscribe, share and like. तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज फ्लिप फ्लॉप के बारे में. तो फ्लिप फ्लॉप के कुछ क्वेश्चंस नेट पे आए हुए हैं, हम लोग आज सॉल्व करेंगे और थोड़ा फ्लिप फ्लॉप के बारे में भी जान लेंगे. तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे नोट किया हुआ है वो आप लोग देखिए जरा सा. द स्टेट डायग्राम करिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग सर्किट इज कौन सा है, वो ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग पहले जानेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में. तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो मेमोरी सेल होता है. तो फ्लिप फ्लॉप कैन स्टोर ओनली वन बिट मेमोरी या जीरो और वन, इनमें दोनों में से एक को स्टोर कर सकता है एक ही टाइम पे. तो फ्लिप फ्लॉप चार तरीके की होती है इन जनरली. यहाँ पे आप लोग देखिए चार फ्लिप फ्लॉप है, एस आर, जे के, डी और एन टी फ्लिप फ्लॉप. चार फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे है. तो जे के फ्लिप फ्लॉप की ब्लॉक डायग्राम जो है हम लोग यहाँ देखेंगे कि जे के ये जो है इनपुट में है और क्यू और क्यू बार जो है कि आउटपुट है. तो जनरली हम लोगों को मिलता है क्यू और उसका कंजुगेट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा क्यू बार, ये है क्लॉक मास. तो दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम लोग यहाँ से देखेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप की. तो जे 002 है तो दो टू बिट्स के लिए हम लोग चार कॉम्बिनेशन मिलता है 00011011. तो 00 यहाँ पे दो दो बार लिखा हुआ है क्योंकि क्यू एन जो है वो है प्रीवियस आउटपुट. तो प्रीवियस आउटपुट अगर जीरो हो तो क्या होगा, वन हो तो क्या होगा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से हम लोग देखेंगे. तो 00 कंडीशन में जो आउटपुट मिलेगा वो प्रीवियस आउटपुट ही मिलेगा. तो क्यू एन अगर प्रीवियस आउटपुट अगर जीरो होता है तो हमें आउटपुट मिलेगा जीरो, वन होता है तो हमें आउटपुट मिलेगा वन. 01 कंडीशन में और 10 कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में आप लोग देखिए ध्यान से देखिए, 01 और 10 कंडीशन में जे में जो वैल्यू है वही हमें मिलता है, चाहे प्रीवियस आउटपुट जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जे में जो वैल्यू दिया होगा वही मिलेगा. जीरो होगा तो जीरो मिलेगा, वन होगा तो वन मिलेगा. वन वन कंडीशन में आप लोग देखिए कि टोगल होता है. टोगल यानी जीरो आउटपुट अगर है प्रीवियस तो हमें जो अभी आउटपुट मिलेगा वो जीरो का बार मिलेगा यानी वन मिलेगा. वन अगर हो तो उसका बार मिलेगा यानी आउटपुट मिलेगा जीरो. तो ये है कैरेक्टरिस्टिक टेबल जेके फ्लिप फ्लॉप की. यहाँ पे एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो चीज यहाँ पे मैंने नोट नहीं किया है क्योंकि पूरी सेम चीज है, एक ही फर्क है. तो एसआर फ्लिप फ्लॉप में यहाँ एस लिखना पड़ता है, यहाँ आर लिखना पड़ता है, ये तीन चीज सेम होता है. वन वन कंडीशन में ये जो है ये इनवैलिड आता है, ये इनवैलिड आता है. और डी फ्लिप फ्लॉप में दोस्तों आप लोग देखिए डी फ्लिप फ्लॉप में, डी फ्लिप फ्लॉप को ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप भी कहा जाता है. यानी आप अगर इनपुट जीरो दे तो आउटपुट आपको मिलेगा जीरो, वन दे तो आउटपुट आपको मिलेगा वन. यानी ये वाला कंडीशन जीरो तो जीरो, वन तो वन मिलेगा. टी फ्लिप फ्लॉप में दोस्तों आप लोग देखिए टी फ्लिप फ्लॉप में अगर आप लोग जीरो देते हैं तो आप लोगों को मिलता है प्रीवियस आउटपुट, वन देते हैं तो टोगल होता है. तो यानी आप लोग अगर जे के फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल अगर याद रखे तो चारों फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल और उसके बारे में आप लोग बता सकते हैं. तो जे के फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक टेबल आप लोग याद रख सकते हैं. ऐसा ये वाला दो चीज हो गया डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, ये वाला और ये वाला हो गया टी फ्लिप फ्लॉप के लिए. तो चलिए यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम लोग अभी देख लेंगे. तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा,
जीरो जीरो कंडीशन, तो प्रीवियस आउटपुट जो है कि जीरो है तो हमें जीरो मिला। तो जीरो से जाके हम लोगों ने दिया, जीरो से एरो लगा के हम लोगों ने कहा जीरो पे ही रखा है, तो यहाँ लिखा है जीरो जीरो, जीरो यानी जे और के। ठीक है, तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। जीरो जीरो कंडीशन में वन अगर हो प्रीवियस आउटपुट तो वन मिलता है, तो वन अगर हो तो वन से जाके वन में ही नहीं आता है, तो जीरो जीरो। जीरो वन अगर हो तो जीरो वन अगर हो तो आप लोग देखिए, जीरो अगर आउटपुट हो तो आपको मिलेगा जीरो, जीरो वन अगर इनपुट हो तो वन अगर प्रीवियस आउटपुट हो तो आपको मिलेगा जीरो। तो जीरो वन कंडीशन में दोस्तों आप लोग देखिएगा कि अगर जीरो प्रीवियस आउटपुट है तो आपको यहाँ पे जाके जीरो ही मिल रहा है। ये वाला जहां से शुरू हो रहा है वो प्रीवियस आउटपुट होता है, जहां जाके खत्म होता है वो होता है जो आउटपुट हमें अभी मिलेगा, वही वो यहाँ एरो से हमें पता चलता है। जैसे कि ये वाला कंडीशन देख लेते हैं, वन जीरो, जो वन जीरो है जे की वैल्यू वन, के वैल्यू जीरो, क्यू एन यानी प्रीवियस आउटपुट जीरो हो तो हमें मिलता है वन। तो ये वाला देख लेंगे हम, तो जीरो अगर हो वन जीरो के लिए, वन जीरो के लिए तो प्रीवियस आउटपुट क्या है जीरो, प्रीवियस आउटपुट क्या है जीरो। तो वन जीरो कंडीशन के लिए, वन जीरो कंडीशन के लिए हमें क्या मिला, वन मिला है। देखिए तो वन जीरो कंडीशन के लिए हमें, वन जीरो कंडीशन के लिए प्रीवियस आउटपुट जीरो में हमें आउटपुट क्या मिला, वन। तो हम लोग जीरो से प्रीवियस आउटपुट शुरू हुआ है, हमें आउटपुट अभी क्या मिला, वन, तो यहाँ से यहाँ एरो लगा देंगे। उसी तरीके से ये पूरा टेबल जो है यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। अभी क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन वहाँ हम लोग देख लेते पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए द स्टेट डायग्राम पूछा है करस्पॉन्डिंग टू दिस सर्किट। तो दोस्तों पहले सर्किट को हम लोग एनालाइज करेंगे, सर्किट का ट्रुथ टेबल क्या मिलता है वो हम लोग पहले देख लेंगे। तो इनपुट क्या है दोस्तों, एक्स और वाई है, आउटपुट क्या है यहाँ पे, ए है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने लिया है एक्स वाई और इसको क्यू एन से डिनोट किया, यानी प्रीवियस आउटपुट ले लिया है, क्यू एन प्लस वन, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, इसको ए कह सकते हैं, ये प्रीवियस वन है। तो यहाँ ये वाला ये कह सकते हैं। तो एक्स वाई अगर इनपुट है दोस्तों, देखिए जीरो जीरो अगर ले हम, पहले जीरो जीरो अगर ले तो हमें जीरो जीरो का नैंड क्या देता है, वन देता है, यहाँ आ गया वन। और अभी यहाँ अगर प्रीवियस आउटपुट हमने लिया है जीरो, तो जीरो अगर प्रीवियस आउटपुट है तो जीरो यहाँ से जीरो यहाँ पे आ गया और यहाँ क्या मिला था, वन। तो वन जीरो का एग्जॉर करेंगे तो डिफरेंट इनपुट है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, वन। और डी फ्लिप फ्लॉप में हम लोग जानते हैं डी फ्लिप फ्लॉप ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप होता है, यानी कि जो हम लोग इनपुट देंगे वही आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ अगर वन है तो वन इनपुट अगर दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में मिलेगा वन, तो यहाँ लिख दिया हमने वन। जैसे कि जीरो जीरो अगर दिया, जीरो जीरो दिया तो यहाँ मिलेगा वन, यहाँ अगर हमने प्रीवियस आउटपुट वन माना है तो वन यहाँ आ गया, तो वन वन कंडीशन में यहाँ क्या मिला, सेम इनपुट है तो हमें मिला दोस्तों जीरो मिला है। तो जीरो मिला है तो जीरो देंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा, तो देखिए दोस्तों जीरो है। तो उसी तरीके से ये टोटल टेबल जो है आप लोग निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है। तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए दोस्तों पहली चीज जो है कि जीरो प्रीवियस आउटपुट है और वन है दोस्तों जो आउटपुट हमें मिला है। तो जीरो से आउटपुट हमें मिला है वन, कौन से कंडीशन में, जीरो जीरो से, तो जीरो जीरो से मिल गया, ये सही है। जीरो जीरो से वन से हमें मिला है जीरो, तो वन से हमें मिला है जीरो, क्या तुम किससे, जीरो जीरो से, ये भी हमें देख रहा दिखने को मिल रहा है कि ये भी मैच हो गया है। जीरो वन कंडीशन, जीरो वन अगर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट अगर जीरो हो प्रीवियस वन तो हमें मिला वन। तो आउटपुट अगर प्रीवियस वन जीरो हो तो हमें मिला है वन, कौन सी कंडीशन में, जीरो वन में। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये तीनों आप लोग देख सकते हैं। और
चौथी चीज जो है वन वन कंडीशन में, दोस्तों आप लोग देखिए वन वन कंडीशन में प्रीवियस आउटपुट अगर जीरो है, प्रीवियस आउटपुट अगर जीरो है तो हमें मिला है जीरो, यानी वन वन कंडीशन में प्रीवियस आउटपुट जीरो, तो यहाँ से प्रीवियस आउटपुट यहाँ से फिर से जीरो ही आया, तो वन वन कंडीशन ये मिला। वन वन कंडीशन में दोस्तों यहाँ देखिएगा प्रीवियस आउटपुट अगर वन है तो हमें वन मिला है, तो प्रीवियस आउटपुट अगर वन है, वन इधर से आया तो वन में आके ये यहाँ पे वन आया, तो दोस्तों वन वन कंडीशन में ये आया, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों फ्लिप फ्लॉप से, इफ वन ऑफ द इनपुट ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप इज हाई एंड द अदर इज लो, देन द आउटपुट इज, आउटपुट क्यू एंड क्यू बार कौन सा ऑप्शन सही है, नेट दिसंबर 2013 में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए क्या है, अगर एक एक इनपुट अगर हाई है, यानी हाई यानी वन है, और एक इनपुट अगर जीरो है, तो वन जीरो कंडीशन और जीरो वन कंडीशन में हमें क्या मिलता है, वन जीरो कंडीशन में जो इनपुट को फॉलो करता है, फॉलो द इनपुट्स एंड द सर्किट एक्ट्स लाइक आर एस फ्लिप फ्लॉप और एस आर फ्लिप फ्लॉप, यही आंसर जो है करेक्ट है। ये ऑक्सीलेट बिटवीन लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी इन रेस अराउंड कंडीशन, रेस अराउंड कंडीशन में ये नहीं जाता है, क्योंकि रेस अराउंड कंडीशन में ये ऑक्सीलेट नहीं करता। दूसरा चीज है टोगल एंड सर्किट एक्ट्स लाइक टी फ्लिप फ्लॉप, ये गलत है, आर ऑपोजिट टू द इनपुट्स, नहीं ये भी गलत है। तो दोस्तों अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग देखिए, अगर एक इनपुट जीरो है, एक इनपुट वन है, और ये वन है और एक जीरो है, तो एस ले ले और आर ले ले, कुछ भी ले ले, जे ले ले, के ले ले, तो हमें आउटपुट जो मिलेगा एस में जो होगा जीरो मिलेगा और वन ही मिलेगा, जे भी ले ले यहाँ, और यहाँ जे भी, जे मानकर भी चले और के मानकर भी चले तब भी दोस्तों, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, फॉलो द इनपुट्स, फॉलो द इनपुट्स एंड द सर्किट एक्ट्स लाइक आरएस। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। थैंक यू।